खाद्य सेवा प्रबंधन की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम खाद्य सेवा प्रबंधन की पांचवी इकाई जो कि कार्मिक प्रबंधन है उसका अध्ययन करेंगे। कार्मिक प्रबंधन, जैसा कि नाम से ही आपको सभी को समझ में आ रहा है कि कार्मिक प्रबंधन अर्थात किसी भी अधिष्ठान में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी प्रतिष्ठान में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी कार्मिक काम कर रहे हैं, उनका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए कि जो आपकी संस्था है वह मैक्सिमम उससे लाभ उठा सके और जो कार्मिक हैं वो भी उससे बराबर लाभान्वित हों। तो यही एक जो आपका एक अच्छी केमिस्ट्री कह लीजिए, एक अच्छा बॉन्डिंग कह लीजिए, इसको आप कार्मिक प्रबंधन कह सकते हैं। तो सबसे पहले परिचय ले लेते हैं थोड़ा सा इस यूनिट के बारे में कि क्यों कार्मिक प्रबंधन बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी संस्था के लिए। तो परिचय की बात करें तो किसी भी खाद्य सेवा संगठन की जो सफलता होती है वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात, जो भी व्यक्ति वहां पर काम कर रहे हों वो स्वेच्छा से वहां पर काम कर रहे हैं, अर्थात किसी को फोर्सफुली वहां पर कार्य ना कराया जा रहा हो, क्योंकि जब आप अपनी इच्छा से कार्य करते हैं तो वह मैक्सिमम बेनिफिट के साथ होता है और उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी भी होती है, अर्थात सबसे ज्यादा काम करने की क्षमता आपकी किसी भी, आप ये स्वयं पे भी लागू कर सकते हैं कि आप अगर कोई कार्य आप स्वयं के इंटरेस्ट से, अपने इंटरेस्ट से या फिर अपनी इच्छा से करते हैं तो वह काम बहुत जल्दी होता है, बहुत अच्छे से होता है और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम एफिशिएंसी पे होता है। दूसरा जो है उसमें है, आप दूसरा जो हम बात कर रहे थे कि किसी भी संगठन की सफलता, तो दूसरी इस बात पर निर्भर करती है कि जो भी व्यक्ति वहां पे काम कर रहे हों वो अपना संगठन का सर्वश्रेष्ठ देते हों, अर्थात वो मैक्सिमम अपनी ओर से कोशिश करते हों कि वो अच्छे से अच्छा कार्य कर सकें। और जो तीसरा जो तीसरी बात है वो है संगठन के लक्ष्यों को पहचानते हों, अर्थात अगर आपको लक्ष्य ही क्लियर नहीं होंगे, लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं होंगे तो आप किस दिशा में कार्य करेंगे, किस चीज के लिए कार्य करेंगे, तो अतः आपको लक्ष्यों के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है। तो कार्मिक प्रबंधन की परिभाषा के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं कि इसे किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, तो हम दो तीन लाइनों में इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब विविध लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, विविध बहुत सारे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि, कौशल और आवश्यकता वाले लोगों को एक समूह में साथ लाकर कार्य कराया जाता है और कोई एक लक्ष्य उन्हें बता दिया जाता है, उन लक्ष्यों की उपलब्धि की दिशा में उनको निर्देशित किया जाता है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो निर्देशन है, जो प्रेरणा है, जो भी एक मोटिवेशन है, इस सब को कार्मिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। कार्मिक प्रबंधन की परिभाषा लॉरेंस एप्पल के अनुसार, कार्मिक प्रबंधन मानव संसाधन को एक गतिशील संगठन में मार्गदर्शन करने का कार्य है। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मार्गदर्शन है, प्रेरणा है, सब कुछ है इसमें, और जिससे लोग उच्च स्तर के मनोबल, अर्थात आप किसी भी व्यक्ति को अगर प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि उसका मनोबल बढ़ेगा। या आप अपने पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप स्वयं में अप्लाई करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा आसान होगा आपको समझ पाना कि अगर आप कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा काम करते हैं और उसके लिए आपको प्रोत्साहित किया जाता है तो आपका जो एंथुसियाज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि दोबारा से मैं इस काम को करूं और अच्छा काम करूं और बढ़िया काम करूं, जिससे कि लोग मुझे और तारीफ करें और मेरे को ज्यादा प्रोत्साहित करें। तो इस प्रकार से एक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो इसे आप कार्मिक प्रबंधन कहते हैं। कार्मिक प्रबंधन लोगों के इच्छुक प्रयासों के माध्यम से कोई परिणाम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया किसी भी कार्य को करने में आपकी इच्छा का शामिल होना अति आवश्यक है, उससे आपको जो परिणाम मिलता है वो बहुत अच्छा होता है और बहुत इजीली और बहुत आसान तरीके से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। कार्मिक प्रबंधन के उद्देश्य क्या है? कार्मिक प्रबंधन, जैसे कि आप वैसे इसे इस प्रकार लाइनों में ना समझें, हम इसे प्रैक्टिकल समझते हैं कि कार्मिक प्रबंधन क्यों आवश्यक है। देखिए, कार्मिक एक, इसमें दो पार्ट में हम समझेंगे। एक तो हो गया आपका जो आपको वहां पे आपका अधिष्ठान, सॉरी आपका प्रतिष्ठान, और दूसरा होगा कार्मिक। तो
जब आप कार्मिक प्रबंधन करते हैं तो प्रतिष्ठान को क्या लाभ होता है? प्रतिष्ठान को जो कार्य उसको अपने कार्मिक से कराना होता है, ठीक है, जो कार्य वो अपने कार्मिक से कराना चाहता है वो उसे कम समय में, बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही उन्नत तरीके से उसे प्राप्त हो सकता है उसी कार्मिक से, जिसे अगर वो सही से प्रबंधन उसका ना करे तो शायद उसमें वक्त भी ज्यादा लगे, शायद वो जो व्यक्ति है जो कार्मिक है उतने अच्छे से भी उस काम को ना करे, बेमन से करे, या उसे आपने वहां पे सारी सुविधाएं ना दी हो तो उसका वैसे भी उस कार्य को करने में मन ना लगे, ये सारी संभावनाएं हो सकती है। अब बात करते हैं कार्मिक को क्या फायदा है। कार्मिक को ये फायदा है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है या जिस भी प्रतिष्ठान में वो काम कर रहा है उसके साथ एक लगाव होता है, उसे एक विश्वास जागता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी को या पर्टिकुलर प्रतिष्ठान को उसकी आवश्यकता है, वे उसके हितों का ध्यान रखते हैं और उसका कोई शोषण नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से वो भी अपना मैक्सिमम 100% देने की कोशिश करता है। तो ये इस कार्मिक प्रबंधन के उद्देश्य होते हैं। कार्मिक प्रबंधन के बारे में क्या क्या विकास और नीतियां बनी है उसको एक बार समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा कानूनी और जो श्रम कानून हमारा इसमें कार्य कर रहा है उसकी भी इसमें चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, भारत में औपचारिक रूप से कार्मिक प्रबंधन शाही आयोग की श्रम रिपोर्ट से शुरू होता है, जिसमें क्या होता है, उद्योग में काम करने वाले लोगों की भर्ती और चयन के लिए श्रम अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश और उनकी कामकाजी परिस्थितियों की जांच की जाती है। 1827 में औद्योगिक विवाद अधिनियम की शुरुआत के साथ कल्याणकारी अधिकारियों का कार्य वेतन, छुट्टी, सेवानिवृत्ति लाभ, बोनस भुगतान इत्यादि के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों से निपटने में बदलाव किया गया। वर्तमान में देश में काम पर लोगों को संचालित करने वाले 110 से अधिक कानून हैं। और जो क्यों बनाए गए हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति का, जो भी आपका कार्मिक है, उसका कोई शोषण ना हो और वो अपना अपने इच्छा से, स्वेच्छा से वहां पे कार्य कर सके। किसी भी संगठन में उसके आकार या प्रकृति के विधान के बावजूद कर्मियों का प्रबंधन गतिविधियों का मुख्य रूप बनाता है। अगर कार्यबल बड़ा कार्यरत है तो संगठनों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का कार्य अधिक होता है। प्रबंधन के लिए आवश्यक होता है कि अधिकतम उत्पादन के लिए वे कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल और जरूरी लाभ भी उन्हें प्रदान करें। छोटे प्रतिष्ठानों में प्रबंधन से संबंधित लोगों का कार्य प्रबंधक या मालिक के साथ मालिक करते हैं, जबकि बड़े संस्थानों में अलग अलग प्रबंधकों और कर्मियों का विभाग मौजूद होता है। ये तो कॉमन सी बात है कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी में, किसी बड़े प्रतिष्ठान में, किसी बड़े होटल में, किसी बड़े रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे जिसके अलग अलग हेड्स होंगे, जो कि अपने अंडर में आने वाले जो उनके वर्कर्स होंगे उनका देखरेख और उनकी देखभाल का उनपे जिम्मा होता है। लेकिन अगर आप किसी छोटे रेस्टोरेंट में कार्य कर रहे हैं, छोटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उसमें एक ही हेड होगा जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के सभी कार्मिकों का ध्यान रखेगा। कार्मिक प्रबंधक को अपने प्रभार में लोगों का प्रबंधन करना उसका कार्य है। संगठन के कर्मियों के लिए नीतियां तैयार करनी है, कर्मचारियों के चयन, प्रेरण, रिक्त पदों के लिए योजना बनाना, रिकॉर्ड बनाना, ट्रेड यूनियन के साथ बातचीत, प्रोत्साहन योजना, शिकायत प्रक्रिया, पुरस्कार, बोनस, इसके अलावा काफी सारे कार्य होते हैं जो एक कार्मिक प्रबंधक को करने होते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो कि कार्मिक प्रबंधक के ऊपर होती है। इसे आप प्रबंधक मैनेजर भी कह सकते हैं। जैसे आप देखते हैं किसी होटल में एक मैनेजर होता है जिसके अंडर बहुत सारे वेटर्स होते हैं और कुक होते हैं, तो उन सबको सही तरीके से कार्य में लगाना, उनकी उनकी देखभाल अर्थात उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन्हें बोनस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उन्हें सैलरी सही टाइम पे मिलती है नहीं मिलती है, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी उनको कोई परेशानी तो नहीं है, इस प्रकार से ये सब वो ध्यान रखता है। कार्मिक नीतियां क्यों बनाई गई, इसके तीन मेन उद्देश्य हैं। एक तो मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना, मानव संसाधन अर्थात हमारे कार्मिक, कार्य क्षेत्र में स्वस्थ संबंधों की स्थापना करना, ये तभी संभव है जब कार्मिक भी खुश हो और आपका एम्प्लॉयर भी खुश हो और एम्प्लॉय भी खुश हो और दोनों ही संतुष्ट हो, तो इस स्थिति में ही एक अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं। और व्यक्ति के अधिकतम विकास में प्रोत्साहन उसको करना, ताकि जो कार्मिक आपके यहाँ पे कार्य कर रहा है उसकी अपनी ग्रोथ भी होती रहे, उसके डेवलपमेंट के लिए भी कार्य करना।
कर्मचारी और नियोक्ता की एक दूसरे से क्या उम्मीदें हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रतिष्ठान को ज्वाइन करता है तो क्या उम्मीदें उसकी बनी होती हैं उस प्रतिष्ठान से, और प्रतिष्ठान को क्या उम्मीदें होती हैं अपने कर्मचारी से। आइए जरा इसका एक थोड़ा सा इनकी तुलना करें आपस में। तो पहले करते हैं कर्मचारी की नियोक्ता से क्या उम्मीद होती है, अर्थात एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर से क्या उम्मीद है। वो एक अच्छा वेतन उम्मीद करता है, जैसा हम सब करते हैं। हम कोई भी कंपनी कोई भी जगह ज्वाइन करने जाएंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा वेतन मिले, नौकरी में स्टेबिलिटी हो और सुरक्षित हो, स्वस्थ कार्य का वातावरण हो, ज्यादा देर काम न करना हो, फिक्स्ड आवर्स हो जिसमें हमको काम करना हो, विकास के लिए कुछ अवसर मिले अर्थात हम अपना डेवलपमेंट भी कर सके, स्टेग्नेंसी ना आए लाइफ में, भावनात्मक सुरक्षा भी हमें चाहिए और न्याय तो अवश्य ही चाहिए। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करें, आप न्याय की उम्मीद हमेशा करते हैं। अब बात करते हैं एक एम्प्लॉयर क्या उम्मीद करता है अपने एम्प्लॉय से। सबसे पहले आता है कम यूनिट कर्मचारी लागत, अर्थात कम से कम वर्कर्स में मैक्सिमम काम मिले, अधिकतम और उच्च उत्पादकता, हाई प्रोडक्टिविटी अर्थात बहुत अच्छा काम हो, बहुत ज्यादा काम हो, स्थिर कार्य बल हो, वफादारी हो लोगों में, जो भी वहां काम कर रहे हो वफादार हो कंपनी के प्रति, सहयोग से काम करते हो, उच्च मनोबल वाले हो और पहल करने वाले, अर्थात कोई भी चीज में पहल करें कि ऐसा कर सकते हैं, कोई इनोवेटिव आइडियाज लाएं, अपने आइडियाज कंपनी को दें कि ये हो सकता है अपने प्रतिष्ठान की ग्रोथ के लिए, डिफरेंट अपने आइडियाज दें। कार्मिक नियोजन कार्यक्रम में निम्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। संगठनात्मक योजना, संगठनात्मक योजना में संगठन की भविष्य की योजना शामिल होती है जिसमें लोगों की संख्या और नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल के प्रकार शामिल किए जाते हैं। स्टाफिंग, स्टाफिंग का मीनिंग है कि वहां पे टाइम टू टाइम लोगों की भर्तियां होती रहे जिससे कि किसी एक व्यक्ति पे ही काम का बोझ ना बढ़े। नियम और रोजगार, रोजगार की शर्तें, अर्थात आप जानते हैं आजकल वैसे तो मैक्सिमम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो, और नहीं तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां सब जगह जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो आपसे एक बॉन्ड भराया जाता है जिसमें कि काम कराने की शर्तें लिखी हुई होती हैं और आप उन शर्तों को साइन करने के बाद ही अपना कार्य शुरू करते हैं। इसमें आपकी सैलरी मेंशन होती है, इसमें आपका वर्किंग आवर्स होते हैं, उसमें आपको क्या क्या सुविधाएं कंपनी की ओर से दी जाएंगी और स्वास्थ्य सुविधाएं क्या होंगी, आपको कैंटीन सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी और आपका लंच के आवर्स क्या होंगे, इसमें सब कुछ मेंशन होता है। तो इस प्रकार से ये सब आपका मेंशन होना भी चाहिए। कार्मिक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन काम क्या करता है, ये जितने भी उनके यहाँ पे किसी भी प्रतिष्ठान में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके रिकॉर्ड्स का रखरखाव करते हैं। रिकॉर्ड्स में क्या क्या होता है, जैसे जो व्यक्ति आया है उसकी एज क्या है, किस डेट को उसने ज्वाइन किया है और कितनी सेवा अवधि है, उसकी योग्यता क्या है, कौशल क्या है, किस वेतन पे रखा गया है, तो इस प्रकार से काफी कुछ डिटेल्स इसमें रखनी होती हैं। कार्मिक संबंध, कार्मिक संबंध में आता है कि जैसे आपके यहाँ बहुत जैसे किसी प्रतिष्ठान में किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स हैं, उनके आपस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक डिपार्टमेंट में तो लोगों में बात होती है बट दो डिपार्टमेंट्स में अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो कम ही कम्युनिकेशन होता है, तो इस प्रकार से किस प्रकार से उनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन बनाया जाए, कोई योजना शुरू की जाए और उनके बीच अच्छी तरह से सूचना का प्रवाह हो जिससे कि कंपनी अपने लक्ष्यों को अच्छे से प्राप्त कर सके और कोई गलत फहमियां भी बीच में ना हो। कार्मिक अनुसंधान, कार्मिक अनुसंधान में विभिन्न नौकरियों की स्थितियों में टर्नओवर प्रतिशत के लिए काम करना और उसके आवश्यक कारणों की जांच आदि करना शामिल है। प्रशिक्षण और विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आप अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आजकल चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो चाहे अन्य विभाग हो यहाँ पे समय समय पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के काम कराए होते ही रहते हैं, प्रशिक्षण एवं विकास। ये क्यों होते हैं, क्योंकि आप देखिएगा हर चीज चेंज हो रही है, जैसे हम जो पहले पढ़ चुके हैं या जो हम पहले सीख क्या है वो आने वाले समय में, आजकल इतना हाईटेक जमाना है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतना कुछ आगे बढ़ चुका है कि हम पुरानी टेक्नोलॉजीज के हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या आवश्यक है कि आप एम्प्लॉय नहीं हटाएंगे अपना, आप अपने पुराने एम्प्लॉय को ही अपग्रेड करेंगे, अर्थात तो उसको नई नई जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इनोवेशंस हैं, नई जानकारियां हैं वो उसको किस प्रकार से दी जाए जिससे कि वही व्यक्ति जो आपका काम कर रहा है वो आपका
और अधिक गुणवत्ता वाला बन सके और उसके कार्य में भी ज्यादा फाइननेस आए और ज्यादा अच्छे से कार्य कर सके, उसके लिए उसको ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराने बहुत आवश्यक हैं। आइए आप बात करते हैं कि कार्मिक प्रबंधक के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। जैसे कि अभी पहले ही बताया कि जितने भी उनके वहां पे वर्कर्स होंगे उनके सबके रिकॉर्ड रखना, अर्थात उनकी ज्वाइनिंग डेट, उनकी उनके सबके बायोडेटाज और उनके जो भी आपके ज्वाइनिंग लेटर्स हैं या बायोडेटाज हैं और भी कोई डिटेल है वो सब अलग अलग फाइलों में सबकी सेव होनी चाहिए। और नौकरी की आवश्यकता के आधार पर स्टाफिंग की योजना बनाना, अर्थात किस विभाग में जरूरत है नया स्टाफ लाने की, कहाँ पे किसी व्यक्ति पे क्या कहीं अधिक बोझा तो नहीं है कार्य का, पर्याप्त तो वहाँ पे मानव संसाधन है नहीं, तो ये सब भी देखना एक कार्य प्रबंधक का कार्य है। प्रोत्साहन योजना का विकास करना जिससे कि आपका जो आपके कार्मिक है उनका मनोबल बढ़ाया जा सके, अनुशासन और शिकायत प्रक्रिया की स्थापना, कर्मचारी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स या फिर उनको जागरूक करना इसके प्रति, कर्मचारियों के जैसे बताया हमने प्रशिक्षण और विकास के लिए डिफरेंट शैक्षिक और अन्य संस्थान जहाँ की उनकी ये ट्रेनिंग हो सके वहां से संपर्क साधना, तभी ये ट्रेनिंग संभव हो सकेगी। और आंतरिक और बाहरी वातावरण में परिवर्तनों से निपटने के लिए संगठन की सहायता करना, अर्थात डिफरेंट कंडीशंस में कार्य करने के लिए अपने कार्मिकों को तैयार करना। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में इतना ही, इसके सेकंड पार्ट में हम कुछ इस पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा विकास और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।